पाकिस्तान में जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जो बहनें हैं, हाउ कैन दे फाइंड अ वॉइस। हेलो एंड वेलकम टू देसी सिंध परदेस। आज मेरे साथ एक जबरदस्त गेस्ट हैं जिनका नाम है अनम। अनम जो हैं वो एक बहुत काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं अमेज़न में। अनम थोड़ा सा छोटा सा अपना तारुफ कर दें। छोटा सा बड़ा सा नहीं छोटा सा। मेरा नाम अनम मलिक है और मैं AWS में काम करती हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझे अमेज़न के साथ काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं और टेक इंडस्ट्री में लाइक अराउंड 6 years। AWS, for those who don't know, is Amazon Web Services, cloud computing. अगर आपको पता है या नहीं भी पता या सुना होगा तो ये cloud computing की एक top organization है AWS। या top तो एक negative term हो जाता है, एक बहुत बड़ी organization है AWS की। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे women in tech या देसी women in tech और women of color in tech, क्योंकि जब हम tech सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है Silicon Valley और TV shows और Mr. Robot और एक मखसूस विजुअल दिमाग में बनता है और उस विजुअल में खवातीन नहीं होती। तो ये व्हाट इज दिस रियलिटी? रियलिटी ये है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो इंजीनियरिंग जॉब्स हैं उनमें से सिर्फ 23% है जो औरतों ने ली हैं और उनमें से सिर्फ 5% हैं जो एशियन औरतें। पाकिस्तान में ये नंबर 14% है, इट्स प्रीटी लो। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बट कुछ वजूहत ये हैं कि लड़कियाँ ये सब्जेक्ट ही बहुत कम उठाती हैं। जो लड़कियाँ ये एज अ सब्जेक्ट उठाती हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनमें से सिर्फ 26% जो हैं वो उसको एज अ करियर चूज करती हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड 40% मर्द जो हैं वो इंजीनियरिंग को एज अ करियर चूज करते हैं। जो और खवातीन इसको एज अ करियर ले लेती हैं उनके लिए भी जो क्विट रेट है इट्स सो हाई, इट्स एक्चुअली 41%। एंड मर्दों के लिए वो क्विट रेट इज 17%। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजन हमारे यहाँ इवेंचुअली टेक में खवातीन बहुत कम है जो काम कर रही है, जिसकी वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन है नहीं, देयर अंडर रिप्रेजेंटेड। तो मैं गंदा सा सवाल पूछूं, थैंक यू, आप बड़ी जबरदस्त स्टैटिस्टिक्स लेके आई हैं। ये मसला क्यों है? व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? कम है तो कोई ये भी सोच सकता है कि चलो कम है तो है, हम तो बचपन से नहीं सोचते आए कि नहीं खवातीन को तो शौक ही नहीं, ये तो आर्ट्स पढ़ेंगी, ये तो ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगी, इनको तो लड़के इसमें अच्छे होते हैं, लड़कियां इसमें अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन I think इसका प्रॉब्लम सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इसका रूट कॉज सिर्फ लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसके और भी बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे कल्चरल सोशल ब्लॉकर्स एज यू जस्ट एक्सप्लेन कि हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि औरतें इस चीज में अच्छी हैं, मर्द हज़ात इस चीज में अच्छे हैं, सो वी शुड स्टिक टू इट। ये डेफिनेटली एक रूट कॉज है, लेकिन आई थिंक ये प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज इसकी एक्चुअली हमें जरूरत है इन प्रोडक्ट डिजाइन। इसका इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ नॉट हैविंग अ डाइवर्स टीम इज ह्यूज, बिकॉज सिमिलैरिटी एक्चुअली किल्स इनोवेशन। जब आप रिसर्च हैज शोन के जब आपकी टीम डाइवर्स होती है, जो कंपनीज ऐसी टीम्स बनाती हैं उनके प्रोडक्ट्स आर सेफर बिकॉज दे आर catering to a wider audience, you're thinking about different kinds of personas, different user personas, which includes women. और इसकी बहुत अच्छी example recently जो मैंने पढ़ी थी, Bill Gates and Melinda have been trying to solve the sanitation problem in Nigeria. And उसमें Melinda was the only one sitting on the table who pointed out that while we are solving for this sanitation problem, jo hamara design hai around the toilets in Nigeria, we have to accommodate women jinke liye privacy bahut important hai, and unke liye ek aur cheez bhi bahut important hai ki unke bacche unke sath sath rehte hain. So uski is input se the design of the toilets changed, the solution around sanitation in Nigeria changed, and so this is a fresh perspective that she brought which others didn't. I think you bring a great point, which is ki khawateen ki involvement adds to the diversity in the team, which is important not just because hum sirf khawateen ki rights ki yahan pe baat nahi kar rahe hain, hum ye keh rahe hain ki idaron ke liye ye behtar hai, it makes for a strong business case. Theek hai, acha to ye to humne baat ki ki reality hai, और दूसरा ये कि रियलिटी इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एक 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 बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, आधी पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव है जिसको हम लूज कर रहे हैं
अगर हम खवातीन टेक में नहीं आती। अच्छा तो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो अनम, यू वर बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, हाउ डिड यू फाइंड योरसेल्फ इन टेक, व्हाट्स द स्टोरी? मैं 8th ग्रेड में कोई कोर्स किया था, स्कूल में पढ़ाया गया था, 9th ग्रेड में भी आई थिंक मैंने कुछ क्लासेस ली थी कुछ, बट कभी भी कोई गोल नहीं मेरा बना था कि अच्छा है मैंने ये करना है, मुझे पता ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट मैंने क्या करना है। बट जब मेरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का टाइम आया तो माय फादर हेल्प मी एंड ही वाज लाइक अच्छा ना ये कंसिडर करूंगी, यू गुड एट इट एंड दिस इज समथिंग जो कि आगे बहुत इसका फ्यूचर है। सो आई वाज लाइक या ओके इट सीम्स गुड लेट्स डू इट। एंड देन आई मैंने बेहरे यूनिवर्सिटी कराची को एक्चुअली ज्वाइन किया था, वहां से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया लंदन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अच्छा माशाल्लाह। बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऑब्वियसली जब आप किसी चीज में काम करते हैं और आपको लगता है कि आप ठीक ठीक ठाक कर रहे हो तो फिर आपको और दिल करता है उसमें और अच्छा काम करने का, अच्छा परफॉर्म करने का। तो बस इसी तरह करते करते फिर उसके बाद मेरी एक्चुअली शादी हो गई एंड उसके बाद उसके फौरन बाद ही आई थिंक विद इन एन ईयर हम यूएस डेनवर चले गए। सही। डेनवर में फिर फौरन मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया एंड उधर फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। जबरदस्त, ठीक है। एंड सो इन सम सेंस दिस द वे यू शेयर्ड इट सीम्स लाइक अ वेरी लीनियर स्टोरी। इसमें कोई मुश्किलात भी थी? और मे बी वी कैन टॉक अबाउट मुश्किलात जो होती हैं पाकिस्तान में जनरली। पाकिस्तान में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये था कि आई मीन आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ब्लॉकर्स स्पेशली मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम में, और उसकी वजह ये है कि लाइक लोगों को मतलब उनको समझ नहीं आती थी कि अच्छा यार ये लड़की है ये कोड लिख रही है। तो जो प्रोजेक्ट्स होते थे एंड दिस इज एक्चुअली साउंड्स रियली फनी या बट आई एम लाइक लाइक जब कोई प्रोजेक्ट करो कोई इसका डेमो दो तो इंस्ट्रक्टर्स वुड बी वेरी स्केप्टिकल कि अच्छा इसने किया है वाकई किया है। उसके ऊपर मेरी क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती थी, यू कुड एक्चुअली सी दैट राइट के बाकियों के प्रोजेक्ट्स पे इतना ग्रिलिंग नहीं हो रही मेरे पे और इन एवरीवन कुड सी दैट। कुछ एक इंस्ट्रक्टर तो ऐसे थे आई रिमेम्बर उन्होंने बोला था कि इसको बिकॉज एक्चुअली मैं मतलब मैंने एक किसी प्रोजेक्ट का डेमो किया उनके सामने एंड इट वॉज डन लाइक जो मैंने जो काम था वो कर लिया था बट बिकॉज उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने किया ही एक्चुअली डिडंट गिव एनीवन एन ए। पूरी क्लास को उन्होंने बी प्लस दिया था, उन्होंने कहा था मैं इस लड़की को ए नहीं दूंगा बिकॉज या सो एक्चुअली पाकिस्तान में जनरली ये प्रॉब्लम है कि बहुत स्केप्टिकल होते हैं लोग, क्या पता नहीं क्या ये इसने खुद किया है किसी से करवाया है, वो आपकी एबिलिटीज पे यकीन नहीं करते। और दूसरा ब्लॉकर जो मैंने फील किया था कि वैसे भी सोशली कल्चरली इवन एट वर्क प्लेस लाइक आई फाउंड सम पीपल जो बहुत इंकरेजिंग होते हैं बट As I was moving from Pakistan to Denver, मुझे काफी लोगों ने at work कहा था, एक दो लोगों ने कि you know आपको ना ये चीज छोड़ देनी चाहिए, अब आप जा रही हैं, आप programming छोड़ दें, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। और इस पे बड़ा टाइम लगता है, आप बस छोटी मोटी कोई जॉब कर लें डेनवर में जब आप जाएंगे। इट्स नॉट जस्ट टेक टू बी ऑनेस्ट, ये वैसे भी जनरल सेक्सिज्म है लाइक इवन कॉमेंट्स लाइक ओ ये लड़की तो बहुत स्मार्ट है बिकॉज इसका दिमाग लड़कों जैसा है। Heard all these comments like this. और वो टेक में और ज्यादा एनहांस हो जाता है क्योंकि लड़कियां जो कोड लिख रही हैं वो बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली जब मेरा टाइम था तब बहुत कम थी, अब तो आई एम प्रीटी श्योर के बढ़ गया है। अब मुझे सुनने में आता है कि लड़कियां बहुत इन्वॉल्व हो रही मशीन लर्निंग में उधर प्रोजेक्ट्स में, बट मेरे टाइम पे तो बहुत कम था। आई हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट बट आई थिंक the थिंग इज दैट the रीजन आई सर्वाइव्ड इज बिकॉज मैंने इतनी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। Good. So that's the trick. I was going to ask you that. कि हम इस पे तो बात करेंगे कि हमें overall क्या करना है as a society. लेकिन as an individual going through this, as a woman going through this in Pakistan or wherever, one strategy is कि lift ना कराओ, सुनो और निकाल दो. और कोई ऐसी चीज that helped you? एक बड़ा problem ये confidence का होता है हम लड़कियों में. Research भी कहती है कि हम लड़कियों को अपने आप पे ना यकीन बहुत मुश्किल से आता है, हम अपने आप को हमेशा कॉन्स्टेंटली यू नो चैलेंज करते रहते हैं कि नहीं नहीं यार मतलब ये तो नहीं, ये आई एम नॉट गुड इनफ। सो आई फील दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू डेवलप कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है सो डू थिंग्स दैट विल हेल्प यू गेन दैट कॉन्फिडेंस। आप लोगों से बात करें, आप स्पीचेस दें, आप यू नो सेमिनार्स कंडक्ट करें, सेशंस कंडक्ट करें, ताकि आपकी जो ये हेजिटेशन है ना जो जिसकी जिसकी वजह से आप बहुत कुछ जो कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी
एक सबसे बड़ी टिप होगी, और दूसरी बड़ी टिप ये होगी कि प्लीज फाइंड मेंटर्स एंड स्पॉन्सर्स फॉर योरसेल्फ। सो मेंटर और स्पॉन्सर में थोड़ा फर्क होता है। मेंटर वो होता है जो आपको कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करेगा, आप उसके पास जाओगे, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, whoever you know, whoever you find or like, वो आपको गाइडेंस देगा देगी। और स्पॉन्सर वो होता है who actually, especially at workplace या आपकी यूनिवर्सिटी में, who will basically take a stand for you at every step of the way. Find a mentor or find a sponsor to help you. अच्छा ठीक है, हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, कॉर्पोरेट से थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में इंटरेस्टेड हैं टेक के अंदर, उनके पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो हम उनको क्या कहें कि अगर आपकी बेटी जो है वो इंटरेस्टेड है कोडिंग में टेक्नोलॉजी में? जब बच्चे छोटे होते हैं, सो दैट्स द बेस्ट एज फॉर देम टू एक्चुअली एक्सपेरिमेंट। अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं यार दिस इज समथिंग, ये तो बहुत ही मुश्किल है, तो मतलब ये तो पता नहीं बिल्कुल मुझे 99% लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो दिस इज अ ग्रेट चांस एक्चुअली कि इस टाइम पे आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दो कि नहीं प्लीज एक्सप्लोर योरसेल्फ, गिव इट अ मंथ और टू। और आपको वक्त ही कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ही कितना है। ऑनलाइन बैठे बैठे आप कोई भी कोर्स अपने बच्चे को करवा सकते हो जिसमें आपका बच्चा भी उस या बेटी आपकी एक्सप्लोर कर सकती है इस फील्ड को। शी कैन राइट अ फ्यू प्रोग्राम्स ऑनलाइन, and then you can also evaluate on the site kitcha whether she's good or not. For women who might have been doing this, jinki shaadi ho gayi hai, unke husbands ko hum keh sakte hain, you might have a message too, but I think as men, I think it's on us to make sure we are the sponsors in the personal life. Now that's a really good point. I think partners ko in general supportive or helpful hona chahiye. Auraton ko वैसे भी एक support system ki ghar pe zarurat hoti hai, and that is not, I think, sirf husbands ही नहीं, even उनके parents, they play a very important role, especially after Pakistani women get married, because अगर आपके parents supportive नहीं है, वो constantly आपको pressurize कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, even तुम्हारा husband मान भी रहा है तो तुम छोड़ दो, तुम ध्यान नहीं कर सकोगी। I mean, my father and I had this conversation after I got married in Denver. काफी मुझसे नाराज थे कि तुम अभी नौकरी कर रही हो, और मेरी जो job थी वो Boulder में थी, which is like far away from Denver. और मेरे हस्बैंड की जॉब डेनवर में थी, तो अबू लाइक तुम कैसे करोगी, एंड आई वाज लाइक अबू मैं कर लूंगी, जस्ट यू नो जस्ट गिव मी अ चांस। तो एज आई मेंशन अर्लियर कि मैंने लिफ्ट तो कराई बिकॉज ऑब्वियसली मेरे अबू हैं, लेकिन आई वाज लाइक अबू लाइक गिव मी अ चांस, जस्ट वेट। और एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगी कि आप यू शुड ऑल्सो हैव अ वॉइस। अगर आप एक लड़की और आप कुछ करना चाह रहे हो तो प्लीज आप बोलो, और आप उसके लिए फाइट करना सीखो और फाइट करो। अगर आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं भी मिलता है तो फिर भी यू नो थिंक ऑफ सोल्यूशंस कि यार मैं किस तरह अपने इस गोल को अचीव कर सकती हूँ, एंड लर्न, एंड नॉट इवन लर्न टू फाइट, जस्ट फाइट फॉर इट। हाँ, और ये प्रिविलेज मर्दों के पास होता है कि हमें वॉइस बाय डिफॉल्ट दे दी जाती है या हमसे पूछ लिया जाता है, और ख्वातीन की बात आती है तो उनके बिहाफ पे डिसीजन ले लिया जाता है खुद से। अच्छा अनम, हम क्या मिस कर रहे हैं, व्हाट एल्स डिड वी वांट टू टॉक अबाउट जो हमने अभी तक बात नहीं की? एक्चुअली बस मैं हम लोगों ने बात करनी थी कि हम दूसरों की मदद खवातीन कैसे कर सकती हैं। हमने ये तो बात कर ली कि वो अपनी मदद कैसे कर सकती हैं, लेकिन दूसरों की मदद कैसे कर सकती हैं, दूसरी लड़कियों की। और सबसे पहली चीज ये है कि प्लीज आप सेलिब्रेट अदर्स, वन। सेकेंड, रिकमेंड अदर्स। अगर आप किसी अच्छी जगह काम कर रही हैं, वहाँ पोजिशंस निकलती हैं, तो आप और लड़कियों को उनका, अगर आपको कुछ अच्छी लड़कियों का पता है जो कि टेक में आना चाहती हैं, तो प्लीज उनकी रेज्यूमेस फॉरवर्ड करें। आप हायरिंग में खुद पार्टिसिपेट करें, नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एज अ रोल मॉडल सर्व कर सकें फॉर अदर गर्ल्स हु एक्चुअली वांट टू जॉइन टेक। रोल मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रोल मॉडल्स बेसिकली इंस्पिरेशन बनते हैं फॉर यंग गर्ल्स जो कि टेक में आना चाहती हैं। और फोर्थली, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरी लड़कियों से बात करें और उनको मेंटर करें और उनको स्पॉन्सर भी करें जितना आप कर सकते हैं। एंड दैट कुड बी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़े। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। आपके खानदान में कितनी लड़कियां होंगी, छोटी बच्चियां होंगी, आप उनसे सिर्फ बात ही कर सकती हैं 15-20 मिनट, और अपनी स्टोरी, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपने इर्द गिर्द और खवातीन की सक्सेस स्टोरी आप उनसे शेयर कर सकती हैं, ताकि वो उनके लिए एज एन इंस्पिरेशन सर्व करें। अच्छा, अगर कोई ओ लेवल्स, मैट्रिक, ए लेवल्स, कॉलेज में कोई हैं लड़कियां जो इंटरेस्टेड हैं टेक में,
what can they go and search for online, जिससे उनको कोई groups का पता चल सकता है, कोई associations का पता चल सकता है? How do they find a mentor? I think एक program है women engineer in Pakistan का. I think उसके through आप mentors ढूंढ सकते हैं. उसके अलावा LinkedIn पे ढूंढ सकते हैं. अभी पिछले दिनों ही मुझे एक पाकिस्तानी लड़की, you know, she reached me out on LinkedIn and she said कि मुझे, you know, आप guidance दे सकती हैं for interviews and all, and I'm currently helping her. All right, thank you so much. Any closing thoughts? Stay safe. मेरा thought process दूसरी तरफ चल रहा है. Stay safe. आजकल तो चल रहा है उसमें. Please lockdown को respect करें and stay safe. Awesome, जबरदस्त. ये एक और advantage है tech में होने का कि आप घर से काम कर सकते हैं. लड़कियों को लगता है कि टेक में फ्लेक्सिबल आज शायद नहीं है, या शायद पता नहीं जो है मुझे बहुत दिन रात पूरा 24 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. It's a good choice. ठीक है, जबरदस्त. Anam, thank you so much for taking the time and for sharing your experience and encouraging Pakistan. जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जो बहने हैं, हमारी जो बहनें हैं, how can they find a voice and the need for it. Thank you so much. No problem.